तो जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आप सबका करवा चौथ कैसा गया जरूर कमेंट में बताना। मैं आप सबको अपना करवा चौथ का ब्लॉग लेके आई हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम बच्चे लोग के साथ में लड्डू बना रहे हैं। एक हाथ में मेरे मेहंदी लगा, एक ही हाथ से मैं बना रही हूँ। लोग गोला देके बनाते हैं, इसको शक्करपिंड बोलते हैं। ये किताब में लिखा हुआ है, जो हम लोग बुक पढ़ते हैं उसमें ये बनता है। यहाँ पे मेरी देवरानी फरा बना रही है। ये फरा जो यूपी से, उनको पता होगा। तो एक एक फरा ये समझ लीजिए काफ़ी लंबा लंबा बना रही है, क्योंकि इसको प्यास लगी है। तो मेरी देवरानी बहुत बड़े बड़े फरा बनाई है। तो ये फरा देख के हम भी हैरान हो गए थे। तो देखिए इस तरह से ये फरा बना रही है। तो हम लोग ये सब बनाते ही हैं हर साल। ये पूरी बनाई है, कचौरी बनाया था, खीर बना था, भाजी बनी थी, और एक आध भाजी बाहर से आया था। तो यहाँ पे अभी हम लोग का सब बन के हो गया, यहाँ पे तैयार होने आए हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फेस का मेकअप कर रही हूँ। ये लोग बंगड़ी पहन रहे हैं हाथ की चूड़ी, तो तब तक मैं अपना फेस का मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि इनको भी हम ही को तैयार करना रहता है। थोड़ा बहुत ये लोग खुद से तैयार होते हैं, नहीं तो मैं ही तैयार करती हूँ। तो अभी ये सब होने के बाद अभी हम लोग चलिए तैयार होके दिखाते हैं आप सबको। ये मेरी देवरानी को देख के लग रहा है इसको बहुत तेज़ प्यास लगी है, क्योंकि ये लोग खाना बना के आए हैं। तो अभी यहाँ पर ये चूड़ी पहन के तैयार हो गई है। तो अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ हम लोग का फाइनल लुक कैसा है। तो देखिए अभी हम लोग ने तैयार हो गए। इन लोग को साड़ी भी मैं ही पहनाई हूँ, और जो ये ब्लाउज पहने हैं ये मैं ही सिलती हूँ घर पे। तो इन लोग का भी ब्लाउज मैंने ही बनाई हूँ। तो इस तरह से हम लोग तैयार हो गए। अभी चलिए आप सबको नीचे लेके चलते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर तैयार होकर नीचे आ गए हॉल में, जहाँ पर पूजा करेंगे। मैंने जूड़ा बनाई, ये लोग बोले हम जूड़ा नहीं बनाएंगे, तो इनको नहीं बनाए हैं जूड़ा। तो चलिए अभी हम लोग आ गए नीचे। यहाँ पर मैं तीनों जन की थाली मैं ही तैयार करती हूँ। तो थाली में लोग ना सिंगार का सारा सामान रखते हैं, चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, और एक चांदी का बिछिया, मेहंदी कोन, सिंदूर, ये सब कुछ है ना, सबका अपना अलग अलग रिवाज होता है। हम लोग हर साल शुरू से ही ऐसे करते हैं। तो इस तरह से पूरा मैं तैयारी कर दूंगी तीनों थाल का, पूरा अच्छे से सब सामान जो है ना जमा कर देंगे। एक चावल में मैंने दिल्ली में चावल डाल दी, इसमें वो जलाने के लिए कपूर, और एक घी का दीपक, और ये सुपारी लगाने के लिए, और पान। तो ये सब रख के पूरा रेडी कर ली हूँ मैं, तैयार कर ली। ये रोरी वगैरह जाता है ऊपर, मतलब तिलक करने के लिए, यहाँ पे घी का दीपक का भर के रख दी हूँ। तो ये सब कुछ तैयार होने पर यहाँ पर मैं गणपति बप्पा कलावा लपेट के गणपति जी को बना रही हूँ सुपारी का। यहाँ पर बना के अभी इनको यहाँ पर चौकी पे विराजमान कर देंगे। ये करवा है करवे में, हम मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, तीनों करवे पे बना दूंगी। फिर वो कच्चा धागा, और वो क्या बोलते हैं, वो जो ये रहता है इसको कुछ तभी बोलते हैं, उसको बांध देंगे। तो ऐसा बांधने के बाद अभी मैं इसमें जल भर रही हूँ, गंगा जल डाल के थोड़ा सा जल भर रहे हैं, मंत्र बोलते हुए। यहाँ पे मैं नीचे अष्टदल कमल बना के एक लोटे में चावल भर के उसके ऊपर पूर्णपात में ये लड्डू भर के रख दी हूँ। तो इस तरह से अभी यहाँ पे खाना वगैरह रख दिए, खीर वगैरह, फ्रूट सब, यहाँ पर सबकी थाली तैयार हो गई है। सब लोग अभी हम लोग पूजा के लिए आ गए हैं। तो देखिए अभी हम लोग तैयार होकर चुन्नी ओढ़ के आ गए। ये चुन्नी मैं हर साल जो माता रानी को ओढ़ाती हूँ ना दुर्गा पूजा को, तो वही चुन्नी है। तो हम लोग एक एक करके पूजा में ओढ़ लेते हैं। तो इस तरह से हर साल उनको नया चढ़ाती हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आचवनी करेंगे। आचवनी करने के बाद गणपति बप्पा को स्नान करा के प्रणाम करेंगे, फिर उनको एक एक सामान चढ़ाएंगे, सब कुछ चढ़ाते चढ़ाते दिखाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमने थाली में सब जमा के रखे थे ना जो चीज़ें, तो सब गणपति बप्पा को स्नान कराने के बाद, कलावा चढ़ाने के बाद, तो चलिए एक एक चीज़ को चढ़ाते हैं, आप सबको भी दिखाते हैं चढ़ाते हुए। अभी यहाँ पे सारा पूजा होने के बाद लास्ट में हम लोग ने दक्षिणा चढ़ा दिए। फिर अभी मैं यहाँ पे कथा पढ़ रही हूँ। अभी कथा हो गया, चार कथा की मैंने। कथा होने के बाद अभी हम लोग करवा फेरेंगे। करवा फेरने के बाद फिर आरती करेंगे। तो आरती होने के बाद फिर ऊपर जाएंगे अभी टेरेस पे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग का आरती हो गया है। तो हमारा हर साल इसी तरीके से होता है। अभी हम लोग तीन जन यहाँ पर हैं, एक देवरानी मेरे गाँव है। तो इस तरह से हम लोग का पूजा सम्पन्न हुआ।
तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो चलिए आप सबको भी ऊपर जहाँ चाँद निकला है वहाँ पे लेके चलते हैं। तो अभी टेरिस के ऊपर जाके ही चाँद दिखता है, तो हम लोग मुंबई में रहते हो तो यहाँ पे चाँद टेरिस पे ही जाना पड़ता है देखने के लिए। तो अभी आए हम लोग ऊपर टेरिस पे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने पूजा कर रही हूँ, तो उसके बाद मेरी देवरानी लोग सब लोग मिलके एक एक करके हम लोग करते हैं। मैंने जिसे चाहा वही मिला सजना, से हम तीनों देवरानी ने मिलके अच्छे से पूजा की है। और एक देवरानी मेरी ये गांव है, तो ये गांव से पूजा की है, तो इसका भी मैं फोटो लगा दूँ। ये सेकंड सबसे छोटी वाली है, इसके बाद एक मेरी दूसरी नंबर ये है। तो इस तरह से हमारा पूजा संपन्न हुआ। आप सबका कैसा हुआ जरूर कमेंट में बताना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलना। सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।